अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल डिस्कस द बेसिक ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म बाय कंप्यूटर। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 28। द फॉलोइंग आर फोर बेसिक ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय कंप्यूटर विच आर शोन इन फिगर। इनपुट ऑपरेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन एंड आउटपुट ऑपरेशन। सबसे पहले आता है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट क्या होता है? वो तमाम डाटा जो हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, उसे क्या कहते हैं? इनपुट ऑपरेशन। उसके बाद उस डाटा पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंप्यूटर की तरफ से, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोसेस ऑपरेशन। ठीक है, उस पर कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है। अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, हम टोटल करना चाहते हैं, स्टूडेंट का एवरेज निकालना चाहते हैं, या जो भी लिस्ट परफॉर्म कर बनाना चाहते हैं, तो वो सारा काम जो है प्रोसेस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जो प्रोसेसिंग के बाद वो हमारा डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद हमें हमारा जो भी हम काम परफॉर्म करना चाहते थे, टास्क परफॉर्म करना चाहते थे, तो वो जो हमें उसका रिजल्ट शो होता है वो कहलाता है आउटपुट ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन, अ कंप्यूटर इज़ अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है कि एक प्रोसेस करने वाली मशीन है डाटा को। यूज़र इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। यूज़र यानी जो भी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़र उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा? डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालेगा किसके थ्रू? कीबोर्ड और माउस के थ्रू। इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क, CD और USB मेमोरी। हो सकता है कि कंप्यूटर के अंदर ही पहले से कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ हमारी जो डाटा है वो स्टोर हो, तो हम उसे वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा मौजूद है और हम उसी पे ही अगेन कोई और काम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो उससे भी लिया जा सकता है डाटा। द इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डाटा जो होता है वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है कि हम उसे आगे कोई भी काम कर सकें। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। यानी ये तो था कि हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा डाल दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या होगा? प्रोसेसिंग ऑपरेशन, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। माइक्रो प्रोसेसर क्या करते हैं कि जो भी डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ होता है या तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम, यानी जो भी हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे, वो उनको फॉलो करते हुए डाटा को प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमरी एंड स्टोर इन इट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर क्या काम करते हैं कि डाटा को इंटरनल स्टोरेज से भी उठाते हैं, या फिर जो डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं वहाँ से लेके क्या करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, जहाँ से उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं उसको फॉलो करते हैं। द कंट्रोल यूनिट देन डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड आउट विच ऑपरेशन इज़ टू बी परफॉर्म्ड। कंट्रोल यूनिट यानी CU यूनिट क्या करता है कि वो ऑपरेशन को डिसाइड करता है कि इस पे रजिस्टर में से, इसमें से कौन सा ऑपरेशन जो है हमारे डाटा के अकॉर्डिंग इस पर परफॉर्म किया जाएगा। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन इट सेंड्स सिग्नल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट। जब हमारे डाटा पे कोई भी जो हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो फिर वो क्या करता है? सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे कंपोनेंट तक जाते हैं कि हमने इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आगे आता है हमारा स्टोरेज ऑपरेशन। The results produced after processing are stored in memory before they are sent to the output devices or permanent storage device like hard disk. जब हमारा input भी हो गई, उसके ऊपर हमारे data के ऊपर processing भी हो जाए, तो उसके बाद कौन सा step आता है, कौन सा stage आती है? Storage की। Computer क्या करता है कि data के ऊपर कोई भी task perform करने के बाद उसे अपनी memory में save कर लेता है, आउटपुट डिवाइसेस को भेजने से पहले, या फिर उसे अपनी हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है? आउटपुट ऑपरेशन। द रिजल्ट्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग स्टोर्ड इन मेमोरी मस्ट बी आउटपुट सो दैट दे कैन बी सीन बाय द यूज़र। प्रोसेस हो गया, पहले हमने डाटा इनपुट किया, उसके बाद प्रोसेसिंग का काम हुआ, उसके ऊपर जो भी हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो हुआ, उसके बाद कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हुआ डाटा, उसके बाद क्या होगा कि वो रिजल्ट जो है वो हमें डिस्प्ले होगा, तो हमें पता चलेगा ना कि जो हम काम करना चाहते हैं वो ठीक हुआ है कि नहीं। तो क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस, हमने आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस किया पहले, वो कौन कौन सी होती हैं,
तो डाटा सबसे पहले किस पे डिस्प्ले होता है? मॉनिटर स्क्रीन पे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि इसको आउटपुट डिवाइसेस तक भेजता है कि ये अब रेडी है, अब इसे डिस्प्ले किया जाए। तो कंट्रोल यूनिट डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर और प्रिंटर प्रिंट्स इट ऑन द प्रिंटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि वो आउटपुट डिवाइसेस तक फिर डाटा को पहुंचाता है और फिर मॉनिटर के थ्रू हमें वो हमारा डाटा आउटपुट जो भी हमारे डाटा के होगी वो हमें डिस्प्ले करवाएगा, और अगर हम उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंटर के थ्रू भी हम उसे ले सकते हैं। रिजल्ट्स कैन आल्सो बी सेव्ड इन स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क फॉर यूज इन द फ्यूचर। और अगर हम प्रिंट नहीं लेना चाहते, जस्ट हमने अपनी आउटपुट देख ली है जो भी हमने उसे काम करना था, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वही जो हमारे पास डाटा है उसे हम चाहें तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे स्टोर भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हमें यही डाटा यूज़ करना हो तो वो कंप्यूटर में पहले से स्टोर हो, हमें दोबारा इनपुट ना करना पड़े। उसे किसी भी काम के लिए आगे अगर हमें फ्यूचर में वो डाटा यूज़ हो सकता है तो हम उसे कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं।